अगर आप लोग कुछ इस तरह से कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो अपने ही मोबाइल फोन में तो जनाब ये वीडियो आपके लिए ही है। और जिस एडिटर में हम लोग इसको एडिट करेंगे उसका नाम है VN वीडियो एडिटर। जी हाँ जी, आप लोग इसको VN वीडियो एडिटर में ही एडिट कर सकते हैं इस तरह की कलर ग्रेडिंग को। तो इस वीडियो में मैंने आपको आईफोन का तरीका भी बताया कि आप लोग इसको आईफोन में कैसे कर सकते हो, और एंड्रॉइड का तरीका भी बताया कि दोनों फोन का तरीका अलग अलग है इसमें आप लोग कैसे कर सकते हो। तो आप लोगों ने कोई भी चीज मिस नहीं करनी, एंड्रॉइड और आईफोन यूजर्स दोनों के लिए है ये, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मजीद टाइम जाया नहीं करते, जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके जनाब, ये रहा हमारा VN वीडियो एडिटर, तो हम इसको कर लेंगे ओपन। क्लिक करते हैं इसको, तो जनाब ये देखिएगा अभी आप ये जो ये वाला बटन आपको नजर आ रहा है प्लस वाला, इस आइकन पे क्लिक कर लें और फिर आ जाएं आप जनाब न्यू प्रोजेक्ट पे। न्यू प्रोजेक्ट पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो अपनी वो वाली क्लिप लें जिसको आपने एडिट करना है या जिसकी आपने कलर ग्रेडिंग करनी है, ठीक है। ये रही आपकी वो क्लिप, और यहाँ पे आपने सबसे पहले जाना है फिल्टर्स में। ये रहा आपका फिल्टर, फिल्टर में आ जाएं और ये देखें जी ऐड का बटन, ऐड वाले बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने इस वाले ऑप्शन को भी ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये देखें जी, अब मेरा आईफोन है तो इसलिए मुझे अलग तरह से ऑप्शन दे, शायद अगर आपके पास सैमसंग या कोई एंड्रॉयड फोन है तो आपको शायद वो अलग तरह से ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि आपको एंड्रॉइड का तरीका पहले बताता हूँ, उसके बाद आईफोन का बताऊंगा। अगर आपके पास यहाँ पे एंड्रॉइड फोन है तो आप लोगों ने क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है लट्स का, उस लिंक को क्लिक करेंगे और जो लट्स मैंने अभी यूज किए हैं सारी की सारी लट्स वहाँ पे गूगल ड्राइव वाले लिंक पे आपको मिल जाएंगी। और फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले किसी एक लट पे क्लिक करेंगे और उसको डाउनलोड कर लें। तो ये देखें जनाब, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और ये डाउनलोड होकर आपके डाउनलोड्स में चला गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, वापस अपने VN वीडियो एडिटर में आ जाना है, अपनी वीडियो को क्लिक करना है और ये जो फिल्टर्स वाला ऑप्शन है इस फिल्टर पे क्लिक करें, और ये जो ऐड वाला ऑप्शन है यहाँ पे आप इस ऐड के ऊपर क्लिक करें और इसको ओके कर दें यहाँ से। और ये देखें जनाब, अब आपके डाउनलोड्स में वो आ गई है, ये देखें एक और दो, मैंने दो अभी डाउनलोड की हैं, बाकी सारी भी आप लोग सारे के सारे डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और ये देखो यहाँ पे आप न्यू फोल्डर बना लो और इसको कर दो क्लिक, क्रिएट लाइब्रेरी कर दो, और ये देखो ये आपके पास वो लट आ गई। अब आप इसको क्लिक करो और ये देखें जी जनाब आपके पास आ चुकी है। अब आप इसकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं ये, ठीक है। अब इसी तरह से वापस जाओ अपने उस लिंक पे, यहाँ पे जितने भी मैंने लट्स दी हुई हैं सारी की सारी डाउनलोड कर लो, और इसी तरीके से अभी जैसे आपको अभी मैंने ऐड करके दिखाई लट, ये सारी की सारी लट्स ऐड कर लो और अगली दफा आपका फोल्डर बना हुआ है ये उसी में ही ले आओ, ठीक है। और इस दफा मैंने ये वाली लगा दी और ये देखें आपको एंड्रॉइड में यूज करना आ गया। अब आपको मैं आईफोन का तरीका बताता हूँ। मेरा आईफोन है, शायद आपका भी आईफोन हो तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन नहीं देगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो थ्री डॉट्स हैं इस पे क्लिक करना है और ये ओपन इन कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ओपन इन करने के बाद आपने जाना है VN वीडियो एडिटर को क्लिक कर देना है और यहाँ पे भी आपने ओके कर देना है, और यहाँ पे फिर आपने न्यू फोल्डर बना लेना है कोई भी अपना, ठीक है। मैं इसको अपना सनसेट वाले को क्लिक करके यहाँ से रीसेट करके अपना कोई भी नाम लिख देता हूँ, ठीक है, लट्स बाय खिजर, ठीक है, डन कर दिया मैंने। और क्रिएट फिल्टर लाइब्रेरी मैंने बना दी, ठीक है। ओके करने के बाद ये देखें जी, मेरी पहली लट जो मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे लाई है वो मेरी पहली लट यहाँ पे आ चुकी है। इसी तरह से ही मैं अब अपनी बाकी सारी लट्स भी इम्पोर्ट कर लेता हूँ। मैं वापस जाता हूँ अपने उसी लिंक पे जो मैंने आप लोगों को डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आपको इस तरह से बाकी सब भी अपने VN वीडियो एडिटर में आप लोगों ने डाउनलोड कर लेने, ठीक है, लट्स बाय खिजर। और फिर से वापस जाता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप लोगों के पास आईफोन है तो आप लोगों ने इसी तरीके से अपने सारे के सारे लट्स इंपोर्ट कर लेनी है अपने VN वीडियो एडिटर में। और अगर आपके पास कोई एंड्रॉइड फोन है तो आपको ये वाले लिंक सीधे डाउनलोड करें अपने किसी डाउनलोड्स में और यहां से जाके आप लोग इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये लट्स इंपोर्ट करने के बाद अब आपको पता है कि आप लोगों ने क्या करना है, फिल्टर्स में जाना है और अपना कोई भी फिल्टर चूज कर लेना है, ठीक है। तो अब अगर आपको यहाँ पे इसकी कलर्स कम करने हैं, मतलब इसकी इंटेंसिटी कम करनी है, तो ये 100% है, इसको यहाँ से आप 50% कर सकते हैं, 0% कर सकते हैं, जितना भी आप लोग चाहते हैं आप यहाँ पे इसको करके और फिर इसको ओके कर दें यहाँ से, ठीक है। ओके करने के बाद आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने इसको एक्सपोर्ट कहाँ से करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट करना है और इसको एक्सपोर्ट का बटन दबा देना है। अब ये वीडियो आप लोग जहाँ मर्जी अपलोड करें वो आपकी मर्जी। एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपके काम आया होगा। अगर आपके काम नहीं आया तो शेयर कर दो, शायद ये किसी आपके दोस्त वगैरह के या किसी के काम आ जाए। अब इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल करना है या फिर कोई भी बात करनी है मुझसे तो जनाब ये रहा इंस्टाग्राम, आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर फॉलो भी कर सकते हैं। और बस जाने से पहले यही कहूंगा, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दें। वीडियो जनाब अगर आपको आती है ज्यादा पसंद तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तकिया।